तो वो जा रहा है लड़का शाहिद। ये सारा टूट गया। और वो देखिए स्क्रैच जो है, तो कौन सा स्क्रैच? समीर भाई फास्ट टाइम उतार रहे अभी एक। दिस इज आमिस राज और आज का दिन काफी अजीब है, स्पेशल है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने कुछ भाइयों के साथ घूमने फिरने। और अभी फिलहाल ये वीडियो शूट कर रहे हैं साहिल, साहिल सिराज। नीचे आपको उसका इंस्टाग्राम लिंक दे देता हूँ, इसकी क्लिक्स देखना, आप चेक करना, बड़े जबरदस्त क्लिक करता है। और अभी थोड़ी दिन पहले इसने ओस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की क्लिक की है, वो भी चेक करने के बाद। तो ये तो हो गया साहिल सिराज का इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं बात कर रहा था घूमने की, तो अभी सुबह के बजे हैं 6:30 शायद। तो अभी जा रहा हूँ मैं यूपी साइड किराने बाईपास से उठाने मुझे शाहिद को, जो मेरे मामा के लड़के हैं। शाहिद के बाद शायद समीर भी आएगा, समीर भी मेरे मामा का ही लड़का है, वो थाना भवन, वो आएगा हमारे साथ। उसके बाद हम सारे, हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो स्टॉप है वो है देवबंद का। तो देवबंद पहुंचकर शाहिद, मैं, साहिल, समीर, हम सब देखेंगे। अभी तो फिलहाल यही प्लान है कि सिर्फ देवबंद ही जाने का, और अगर जो कुछ मन बनता है तो थोड़ी सी आगे चले जाएंगे, क्योंकि देवबंद पानीपत से 100 किलोमीटर पड़ता है और उत्तराखंड के काफी नजदीक पड़ता है। उत्तराखंड में काफी टूरिस्ट इलाका है। अगर कुछ प्लान बना और सबका मन राजी हो गया तो थोड़ी आगे और घूम आएंगे, अदरवाइज सिर्फ देवबंद तक ही जाना है। और आज है 26 दिसंबर, संडे का दिन है। फोग देखिए पर सामने कितनी ज्यादा फोग है, तो भी काफी ज्यादा है। अभी अगर जो सब कुछ ठीक रहा तो मंसूरी घूमेंगे यार, क्योंकि मंसूरी भी यार आज तक मैं कभी गया नहीं, और बहुत शायद शाहिद या फिर समीर भी होंगे जो गए नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन बस इतना है कि मंसूरी नहीं गया मैं अब तक। तो अभी जो प्लान सही बनता है और फोक थोड़ी सी छटती है तो मंसूरी के लिए निकल लेंगे, अदरवाइज नहीं, देवबंद से ही यू टर्न मारना पड़ेगा। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। अभी मैं जमुना पर पहुंचने वाला हूँ किराने के लिए, और बस जमुना बाईपास से मुझे साइड मिल जाएगा, उसको पिक करके फिर अपन निकलते हैं यहाँ से देवबंद के लिए। तो अभी बस शाहिद को कॉल किया और उसके घर, उसके गली के बाहर खड़ा हूँ मैं। मैंने फोन किया, मैं भाई कहाँ पहुंच गया? कहता अरे नहीं भाई आ गया, रास्ते में हूँ, रास्ते में। मैं कहाँ पहुंचे फिर भी? अरे बाईपास से पहुंच गया मेरे भाई, बाईपास से पहुंच गया। मतलब देख रहे हो लगे, मैं उस गली के बाहर खड़ा हूँ और वो मुझे फोन पे कह रहा है कि बाईपास से पहुंच गया। कॉन्फिडेंस देख रहा भाई का? पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि भाई बाईपास से पहुंच गया। अरे 10 मिनट मान लिया, 10 मिनट अभी आएगा ना सामने से, दिखाता हूँ आपको फिर। तो वो जा रहा है लड़का शाहिद। अरे हो रंदे ले ले, इसे पकड़ी, इसे पूछता हूँ मैं इससे कि हाँ भाई कहाँ 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 चल दिए? तो ये देखो ये बाईपास थे, ये लड़के बाईपास पे, ये बाईपास थे। बताइए पहले आप कह रहे थे बाईपास हो, फिर बाईपास पे क्यों नहीं हो आप? बाईपास पे क्यों नहीं हो बताइए? आप बाईपास पे जा रहे हैं भाई। तो चलो फिर हम निकलते हैं यहाँ से, अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा थाना भवन के लिए, और वहां से समीर को उठाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, शायद मंसूरी जा सकते हैं आज। भाई सीन ये था कि थाने भवन हमें मिलेगा ये, और कैसे जट्टा खा रहा है? नहीं देखो ये आया अपने ड्रेस, मतलब कपड़े भी नहीं डाल रखे भाई, क्या मतलब कि अभी क्या हुआ कि हम सब तो थे अपनी सबकी तैयारी में, सभी तैयारी में, ये तैयार बैठा है, वो पीछे भी तैयार बैठा है, और जिसको हमें यहाँ थाने भवन से पिक करना समीर को, वो अलग ही नशे में, वो कह रहा है कि घर चलो नाश्ता करो फिर ये करो। अब यार इतना टाइम, अब मसूरी भी जाना है, फिर अब आज दिन भी इतना अच्छे नहीं, धूप भी नहीं निकली, तो क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए ये सारा टूट गया, और वो देखिए स्क्रैच जो है, तो कौन सा स्क्रैच? वो वहां से लेके, चलिए तो इतना माइनर सा है, चलो ठीक है। तो ये मेन तो ये है, ये खुल गया सारा, उधर भी तो लगी, उधर शायद उस पर लगी थी 10 कलम आता शीशा। चल ठीक है, तो बस अभी नाश्ता हो चुका है सबका। समीर भाई को एक बार थैंक यू कर दो सारे, एक बार समीर भाई को सारे थैंक यू कर दो, थैंक यू। गाड़ी गाड़ी भी एक बार, मतलब कि क्या बताया, बस अब देख रहे हो ना जैसे गली, हम 3 बजे इकट्ठे चल रहे हैं, 3-4 तो हम भिड़ गए आपस में, इतनी गली में कोई इसने गाड़ी निकलवाई।
तो अभी रुके हैं थोड़ी सी वॉशिंग के लिए, गाड़ी की वॉशिंग करवा लेंगे, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, काफ़ी गंदी हुई पड़ी गाड़ी, तो उसकी वॉशिंग करवानी है। वाओ, इतने मैट भी झाड़ते हैं। समीर भाई फास्ट टैग उतार रहे हैं, अभी एक नया फास्ट टैग बनवा रहे हैं क्योंकि फास्ट टैग ही ठीक है, अदरवाइज पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो एक नया ही फास्ट टैग बनवा रहे हैं हम सारे। उतार दो उतरने, तो अभी थोड़ी देर का एक ब्रेक लिया है हमने सबने ताकि थोड़ा सा मन थोड़ा सा हिल जाए फरमान पीछे, क्योंकि काफी लंबा समय अभी तक मैंने चला ली काफी गाड़ी, तो थोड़ी पैर हाथ पैर सीधे कर लेता हूँ, और जो शीशा वगैरह गंदा है तो शीशा कर लेते हैं साफ, वैसे शीशे एकदम साफ हैं गाड़ी के। ये लगी थी सुबह, इसको भी थोड़ा सा रिपेयर करवाया हमने एक पहाड़ काट के देख, पैदल का रास्ता है वो उनका, वैसे काफी ऊंचाई पे हम, तो वही बात आ गई बादलों की ऊंचाई में और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ओ भाई नीचे उतार दे भाई, कोई लैंड करा दो, वही वाली आ रही है इधर, तो वाइब पूरी भाई 500 एक्स्ट्रा ले लिया भाई। तो कैसा लग रहा है यहाँ खड़े हो गए आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ठंड लग रही है। ठंड वैसे ज्यादा तो नहीं है, ठंड ज्यादा नहीं है, ठंड उतार के देखो। वाह, चलो अभी चलो भाई। जैकेट्स, मैं अपनी एक्स्ट्रा जैकेट लाया हूँ और का पता नहीं, मजबूत बना रहे भाई। ये क्या चीज है साहिल, कुछ बता सकते हो आप क्या चीज होगी? आई डोंट नो ब्रो, ये पता नहीं कुछ नया बना रहे हैं इस एक लोकेशन पर, देखना पड़ेगा क्या चीज है, वैसे दिखा नहीं। मल्टी कार पार्किंग है भाई, कार पार्किंग, कार पार्किंग, पता लग गया भाई। अब कहाँ जाना भाई? ऊपर बस भाई, दोस्तों देखो नीचे क्यों डाल लिखी है भैया, गाड़ी अपनी खड़ी कर दिया ऑन रोड, बस जब वापस आए तो यही मिले हमें, कुछ हो ना इसका, और यहाँ पे ये होटल है इन एडवांस। तो बस अभी उतरे हैं मसूरी, तो भाई यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है, थोड़ी बहुत स्नोफॉल, स्नोफॉल तो थी, स्नोफॉल थी क्या साहिल? वो बारिश में स्नो आ रही थी, मतलब बारिश नीचे गिर रहे थे ना, तो स्नोफॉल में कन्वर्ट हो रही थी, मतलब कि थोड़ी बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, और बट ठंड लग रही है काफी। वुलन कैप डाल लेता हूँ मैं। तो बस अभी का व्लॉग ये इतना ही खत्म करता हूँ इस व्लॉग को, और इसका सेकंड पार्ट डालता हूँ इसके बाद, तो बस बने रहिए इस व्लॉग में, और इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिए।